अगर आप भी हैं मेरी तरह परेशान क्योंकि कोरोना काल में इम्यूनिटी ईटिंग करते करते कहीं ना कहीं वेइंग मशीन का ध्यान नहीं रखा और अब वजन घटाने में ओहो नानी याद आ रही है, तो चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं हमारी वेरी हॉट एंड हैपनिंग सीरियल अनुपमा की काव्या यानी मदालसा के पास, जो बता रही है कि कोरोना काल में एक्चुअली कैसे आप अपनी न्यूट्रिशन को ध्यान में रखते हुए फिट रह सकते हैं। और एज मदालसा डाइट मैटर्स अ लॉट, हेल्थ फर्स्ट, हेल्थ इज प्रायोरिटी, और जहाँ तक यू फील हेल्दी दैट्स द स्पेस यू शुड बी इन जनरली ऑल्सो। सो माय डाइट रूटीन इज समथिंग लाइक दिस व्हिच आई एम जस्ट गोइंग टू राइट। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है ये काफ़ी अलग तरीक़ों की होती है। कुछ लोग जैसे कि बेसिक जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है वो 14 घंटों की होती है, जहाँ पर आप 14 घंटों के लिए फास्ट करते हैं एंड उसके बाद यू कैन हैव योर नॉर्मल मील जो कि रोटी, सब्ज़ी, दाल, रिच इन प्रोटीन, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप डिनर के बाद 14 घंटों तक कुछ नहीं खा सकते। तो आप सोते हैं, आप सुबह उठते हैं, यू कैन हैव ब्लैक कॉफ़ी, चाय पी सकते हैं, बट जो आपका मील होता है वो 14 घंटों के बाद ही होगा। तो 14 घंटे कर सकते हैं आप, 16 घंटे कर सकते हैं, 18 घंटे कर सकते हैं, कुछ लोग 20 घंटे भी करते हैं, बट दैट्स अ लिटिल अनहेल्दी। तो फॉर मी आइडियली 16-18 आवर्स का इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे लिए वर्क करता है। तो जब आप फास्टिंग करते हैं बेसिक रूल ये होता है कि हमें खुद को ज़्यादा स्टफ़ नहीं करना होता है। जब हम खाते भी हैं ना, जैसा कि पीपल से कि यू फील लाइटर व्हेन यू ईट लाइट, तो इसीलिए जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं हमें ब्लोटिंग फीलिंग होती है, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो इसीलिए ये फास्टिंग जो है ये आपको उतने टाइम तक व्हेन यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग आपकी बॉडी अंदर से सारा काम कर रही है, आपका डिटॉक्स चलता रहता है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है। 2 कप्स ऑफ कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। सो मेरे लिए ब्लैक कॉफ़ी वर्क करता है बिकॉज आई पर्सनली हैव द टेस्ट फॉर ब्लैक कॉफ़ी। तो ये मेरा स्टेपल मील है विच इज़ एक रोटी, सब्ज़ी, दाल और पापड़। और कभी अगर मैं रोटी खा रही हूँ तो मैं उस दिन राइस नहीं खाऊँगी, अगर मैं राइस खा रही हूँ तो मैं रोटी नहीं खाती। तो मैं एक टाइम पर एक चीज़ मेरे लिए वर्क करती हूँ। शूट के टाइम पर भी मेरा फोकस यही रहता है कि मैं डाइट मेंटेन कर सकूं, फॉलो कर सकूं। इतना आसान नहीं होता बिकॉज हमारे शूट आवर्स भी डिपेंड्स कि कई बार आप बहुत लॉन्ग आवर्स के लिए काम कर रहे होते हो, कई बार आपका जल्दी पैकअप हो जाता है। जब मैं शूट कर रही होती हूं तो मैं कोशिश करती हूं कि मैं लिक्विड इनटेक मेरा बहुत ज़्यादा रहे, जैसे कि नारियल पानी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो कोकोनट वाटर, फ्रेश जूसेस इज़ वेरी गुड। जो कैन जूसेस होते हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ अवॉइड करना बिकॉज उसमें काफ़ी एडेड शुगर होता है। नथिंग अगेंस्ट कैन जूसेस बट आई पर्सनली प्रेफर फ्रेश जूस। और कोकोनट वाटर इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी, आपको काफ़ी डिटॉक्स करने में हेल्प करता है। जितना लिक्विड आप पिए एट द एंड ऑफ द डे इज़ वेरी गुड फॉर योर सिस्टम। तो ये है मेरा डाइट चार्ट जो कि मैं फॉलो करती हूँ, बट जो डाइट प्लान होते हैं वो मैंने भी ऐसे ही अपने आप नहीं शुरू किया है, आई हैव कंसल्टेड माई डाइटिशियन। तो इसीलिए जो भी डाइट चार्ट या डाइट प्लान आप फॉलो करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर डाइटिशियन बिफोर टेकिंग अप एनी सॉर्ट ऑफ डाइट। इसीलिए खुद से कोई डाइट मत बनाइएगा कभी, इट डजंट वर्क, ट्रस्ट मी, प्रोफेशनल गाइडेंस हमेशा काम आती है।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।